नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। अंतरजातीय या गोत्र में विवाह के मामले को लेकर तुगलकी फरमान जारी करने को लेकर खा पंचायतें और ऐसे तमाम दूसरे संस्थान, दूसरे संगठन सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार कर दिए हैं और केंद्र सरकार को भी इसी कड़ी में फटकार लगाई गई है। खा पंचायतों पर सख्त एक्शन नहीं लेने को लेकर अदालत ने केंद्र सरकार को भी चेताने का आज काम किया। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ कर दिया है कि अगर केंद्र सरकार खाप पंचायतों पर बैन लगाने में सक्षम नहीं है तो अदालत को ही कदम उठाने होंगे। साथ ही यह भी साफ किया गया कि बालिग युवक युवतियों की शादी से रोकने का हक किसी खाप पंचायत, किसी संस्था या किसी भी अभिभावक को नहीं है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। प्रेम विवाह करने वालों के लिए खुशखबरी, समाज के ठेकेदारों पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा। खाप पंचायतों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज, अब तुगलकी फरमान जारी किया तो खैर नहीं, खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर। आए दिन तुगलकी फरमान जारी कर अंतरजातीय विवाह के खिलाफ अपनी मनमर्जी का फैसला सुनाने वाली खाप पंचायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायतों और ऐसे तमाम दूसरे संगठनों को अवैध बताते हुए कड़ी फटकार लगाई है। खाप पंचायतों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी काफी तल्ख लहजे में फटकारा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर केंद्र सरकार खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम नहीं है तो अदालत को ही कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने प्रेम विवाह करने वाले युवा जोड़ों पर खाप पंचायतों के हमले नहीं रुकने पर नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक व्यस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। किसी खाप पंचायत, अभिभावक, समाज में किसी और को इस पर सवाल उठाने का हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायत ना तो किसी कपल को समन भेज सकती है और ना ही दंड दे सकती है। कोर्ट ने दो टूक लहजे में कहा, अगर खाप पंचायतों को बैन करने में केंद्र सरकार असफल है तो फिर हमें ही इस दिशा में कदम उठाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि ये साल 2010 का मामला है, लेकिन केंद्र सरकार की गंभीरता का आलम ये है कि वो अब तक सुझाव भी नहीं दे पाई है। अगर सरकार अपनी मर्जी से शादी करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून नहीं लाती तो कोर्ट इसके लिए गाइडलाइन बनाएगा। एमिक्स क्यूरी राजू रामचंद्रन ने कहा कि लॉ कमीशन भी अंतरजातीय शादी करने वालों को सुरक्षा देने के लिए कानून बनाने की सिफारिश कर चुका है, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया अब तक लचर है। आपको बता दें कि हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों की ओर से अंतरजातीय विवाह करने वाले युवाओं को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आए हैं। कुछ मामलों में तो हत्या जैसी घटनाएं भी हो चुकी हैं। हरियाणा की राजनीति को भी ये मुद्दा काफी प्रभावित करता रहा है। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी ने खाप के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ खाप को मानने वाले लोग इसे अपनी परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसका बचाव करते हैं। स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फटकार लगाई गई है, जो बात कही गई है, उसी विषय को लेकर आज बड़ी बात में हम चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। बीजेपी की ओर से वीरेंद्र चौहान हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही कांग्रेस से रंजिता मेहता अपना पक्ष रखेंगी, इनेलो प्रवक्ता रविंद्र ढुल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता गुरिंद्र पाल सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही खाप नेता सूबे सिंह समैन भी हमारे साथ हैं और संतोष दहिया हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत समैन साहब आपसे करेंगे, ऐसी स्थिति क्या खराब हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार को ये कहना पड़े कि आप बंद कीजिए, बैन लगाइए खाप पंचायतों पर, नहीं तो हम एक्शन लेंगे। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के सामने असली हकीकत को नहीं रखा गया जी, और हमने बहुत कोशिश करी, बहुत तारीखों पर हम गए हैं अपनी बात कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। मैं और डॉक्टर वस पर्सनल अपीयरेंस थी हमारी कोर्ट के अंदर जी। हमने एक बार हमारे बेंच को बहुत कन्विंस करा, उन्होंने हमारी बात को सुना भी, उन्होंने
महसूस भी किया कि खा पंचायतें अपने रास्ते पे सही है। ठीक, खा पंचायतें ना ही तो कभी आज तक किसी ने फरमान सुनाया है किसी को कत्ल करने का, हाँ। और ना खा पंचायतें ऐसे कार्य करती है। खा पंचायतें तो लोगों को बसाने का कार्य करती है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के सामने बात लाई गई कि जो विवाह हैं बच्चों के अपनी मर्जी से, ये कोई व्यक्ति अपनी भावना से भड़ककर कोई भी किसी के अंदर प्रोवोकेशन में आके कोई कुछ कर दे, ये माँ कर सकती है, बाप कर सकता है, उसका मामा कर सकता है, उसका चाचा ताऊ कर सकते हैं, हाँ। पंचायतें कभी किसी का आह्वान नहीं करती है कि आप इस शादी के मन मर्जी के खिलाफ इसको मार दें। ये बिल्कुल एक गलत वहाँ तथ्य पेश किए गए कोर्ट के सामने, और कोर्ट ने जमीनी हकीकत से सारी रिपोर्ट में तो मान के चलता हूँ हासिल नहीं करी। लेकिन हम ऐसे फैसले के ऊपर कि बिना किसी बात के किसी प्रकार का फैसला ऐसा कर देना, जो खा पंचायतें परंपरागत जो चली आ रही हैं, जो कई सौ वर्ष पुरानी हैं, हाँ। और जिन्होंने आज समाज को अपने एक ढांचे में अच्छे तरीके से बसने के लिए शांति कायम करने के लिए रखा हुआ था, अगर उस प्रकार की बातें करेगी तो खा पंचायतें अपने घर बैठ जाए, खा पंचायतों ने क्या लेना है, हाँ। वो तो समाज को ही बसाने के लिए बनी हुई थी। खा पंचायतों का मतलब ये नहीं है कि कोई खाप के स्पेशल जातीय विवाह या गोत्र में विवाह किए जाने पर आप लोगों का एक्शन क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी अंतर्वाद क्या खा पंचायतों के शायद हो सकता है चौधरियों के बच्चों के भी शादियां हो रही हों, हाँ। दूसरी जातियों में किसी ने कभी आज तक कोई इतराज नहीं किया है, लेकिन कोई जिस तरह मनमर्जी के खिलाफ बच्चे करते हैं, माँ बाप जिसका कुछ राइट बनता है, जिसने उसको पाला है सारी उम्र अपना, उसको पढ़ाया लिखाया है, थोड़ा सा माँ बाप का भी राइट बढ़ता है कि अपने बच्चे की शादी मर्जी से करो, ऑनर किलिंग कर दी जाती। लेकिन ऑनर किलिंग कोई नहीं करता, ऑनर हाँ। किलिंग तो कभी कभार जो है नहीं पता नहीं किस बात के ऊपर हो जाती है, प्रोवोकेशन पता नहीं कहाँ हो जाती है। ये बात छोड़िए, आप जो हमारे समाज की खा पंचायतों ने छोड़ के है, आप साउथ में चले जाओ ऑनर किलिंग वहां भी है, वहां खा पंचायतें हैं, पंजाब में भी ऑनर किलिंग है वहां खा पंचायतें हैं, खा पंचायतें देखकर करवाती। ये तो जो ऑनर किलिंग है तो प्रोवोकेशन है, उत्तेजना भड़क जाती है आदमी की, नहीं किसी बात को सहन कर सकता। और समाज में हर व्यक्ति चाहे आज कोई कितना अपने आप को कितना साफ करे, हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं अपने बच्चे की शादी अपनी मर्जी से करूं, मर्जी के खिलाफ कोई बच्चा आउट ऑफ वे जगह करता है तो हर आदमी थोड़ा सा महसूस करता है। हक नहीं है कि बालिग लड़की लड़की शादी कर सकती है किसी भी जाति में, देखिए ये तो हमारे करना चाहते हैं अभिभावक, दुर्भाग्य कोई संस्थान कोई संगठन या खाप पंचायत कुछ नहीं कह सकते, सवाल खड़े नहीं कर सकते। मैं तो सबसे पहले बात ये कहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ हिंदू मैरिज एक्ट, इन्होंने भारतीय मैरिज एक्ट क्यों नहीं बनाया, क्यों हमारा कला हिंदू मैरिज एक्ट इन्होंने, इस देश के अंदर ईसाई भी रहते हैं, इस देश के अंदर मोहम्मदन भी रहते हैं, हाँ। इस देश के अंदर हमारे हिंदू धर्म के पार्ट हैं जैन धर्म सिख धर्म, उनके लिए एक जो है ना वो आनंद कार्य वाला बना दिया, उसका बना दिया जो अपना क्या सिखों के लिए अलग बना दिया है, हाँ। तो आप क्यों 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 बांट करके इस मैटर में क्यों बांटे, अभी हिंदू मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट क्यों बना, भारतीय मैरिज एक्ट क्यों नहीं बना पहले ये बताए, और फिर गोत्र विवाद के ऊपर मान के चलो आप, अगर गोत्र की बात आ गई तो आप क्यों गोत लिखते हो, हाँ। अगर गोत का महत्व नहीं है तो आप क्यों लिखते हो, जिन जजों ने फैसले किए हैं उन्होंने भी अपने पीछे गोत लिखे हुए, गोत्र लिखा वहां तक ठीक है, फिर शादी को लेकर भी सवाल खड़े किए जाएंगे, क्या वहां भी रोड़ा अटकाया जाएगा, क्या मनमर्जी अभिभावक नहीं शादी के बारे में कोई नहीं कहता, शादी करते हैं बच्चे चलाएगा, ये सही है, शादी करते हैं बच्चे कोई नहीं रोकता शादियों के लिए। सबसे पहली चीज तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखना चाहती हूँ कि इंटरकास्ट मैरिजेस के कोई भी खा पंचायत अगेंस्ट नहीं है, हाँ। 1355 में जो पहली महिला अध्यक्ष थी श्रीमती भागीरथी देवी, वो जाट कम्युनिटी से थी, उन्होंने गुज्जर समाज के पुरुष से शादी की थी, ठीक है। उसके बाद रही बात लो की, देखिए हर वर्ग का हर समुदाय का हर क्षेत्र के अपने अपने कुछ व्यवस्थाएं हैं, उनके व्यवहार हैं आचरण हैं, उनकी कुछ परंपराएं हैं रीति रिवाज हैं, ठीक है। जो भी कानून है, एक सिविल लॉ है दूसरा कस्टमरी लॉ है, हाँ। और सिविल लॉ में आर्टिकल 13 में साफ कहा गया है कि जो कस्टमरी लॉ है उसको बचाना संविधान का अधिकार है। देखिए मैं ये मानती हूं कि जो बालिग है उसको संवैधानिक मूल अधिकार है कि वो कहीं पे भी शादी कर सकता है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारा एक जिसको हम कस्टमरी लॉ कहते हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, जो हमारे आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो सबको फॉलो करनी पड़ेंगी। और कानून ये कहता है, न्यायिक अनुमति मिली आप लोगों को, कोई संवैधानिक अनुमति मिली है, कोई प्रशासनिक अनुमति मिली है, देखिए खाप पंचायत को, किसी खाप पंचायत को, देखिए खाप पंचायतें जो सामाजिक सरोकार है, हाँ। वो उसकी तरह से सोचती हैं, जो कोर्ट हैं वो सिविल लॉ की तरह से सोचती हैं, उन्होंने कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो लॉ के अकॉर्डिंग तो सही है, हाँ। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, जो बालिग हैं वो तो चाचे ताऊ के भी बच्चे हैं, उनको भी फिर पूरा अधिकार होना चाहिए। ये
जो हमारा सिस्टम है, जो एक सोशल फैब्रिक है, उसको तोड़ने की एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, साजिश है। जो खाप पंचायत है वो एक कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है उस साजिश में? अदालतें भी शामिल हैं साजिश में? अदालतें की ओर से कहा गया, देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से कहा गया कि सरकार बैन लगाए, अदालत अगर नहीं लगाया जाता इस सूरत में, जो अदालत है, सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, वो बैन लगाएगा, वो प्रतिबंध लगाएगा। अदालतें शामिल नहीं है और अदालतों के फैसले के अगेंस्ट हम केवल अपील कर सकते हैं, उनके फैसले पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि जो कानून है वो लोगों के लिए है, लोग कानून के लिए नहीं है। हाँ। कोर्ट को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए था। इस फैसले में कोर्ट ने लोगों की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात करूं, भावनाएं हैं, हिंदू 18 साल जो पूरे कर चुके हैं लड़के लड़की, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर चाचा ताऊ के बच्चे शादी करने लगे तो कोर्ट के लिए तो वो भी लीगल है। संतोष जी, लेकिन जो कोर्ट नहीं, पंचायतों का पक्ष जाना गया, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोशिश की गई, जो बालिग की बात करते हैं, जो बालिग की बात की गई है, बालिग में तो जो चाचा ताऊ, मामा बुआ और फूफा के जो बच्चे हैं वो भी शादियां करेंगे, उनको कौन रोकेगा? देखिए, जो आएंगे और ये, पास आएंगे। और ये केवल सामाजिक जो सोशल फैब्रिक है, केवल उसको तोड़ने की बात नहीं है। हाँ। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी है और साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जो सेम गोत्र में या बहुत नजदीक के क्लान में शादियां करते हैं, उनमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि सेम गोत्र में शादियां नहीं होनी चाहिए। चौहान साहब, मैं जो संतोष दहिया जी ने बात कही, बहुत उन्होंने एक लॉजिकल पॉइंट रेज किया है, और ये बात मुझे नहीं मालूम कि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो चर्चा हुई है वहां पर आई भी है कि नहीं। सुबे सिंह जी क्योंकि उस सारी प्रक्रिया का हिस्सा भी रहे हैं। हर जो बालिग युवक युवती है, अगर आप उसको विवाह का अधिकार दे देंगे और कल को भाई बहन, सगे भाई बहन को भी अधिकार दे देंगे क्या? आप नहीं हो सकता ना जी। वो उसकी अनुमति कानूनन भी नहीं दी जा सकती, और परंपरा में तो दूर दूर तक उसकी संभावना कहीं है नहीं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस सारे मामले में मुझे कहने तो दीजिए, भारत के बहुसंख्यक समाज में, भारत के समाज का जो मेजर हिस्सा है वहां पर तो कतई इस चीज की अनुमति नहीं है, और शायद भाई बहन की शादी तो किसी भी मत संप्रदाय में भारत की धरती पर अलाउड नहीं होगी। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला गया है, तथ्यों को आपकी सरकार की ओर से ये पक्ष रखा गया इस मसले को लेकर, सुनिए एक बार के लिए, जो दीदी मुझे कहने तो दीजिए, आप सुनिए एक बार के लिए, सुप्रीम कोर्ट आप लोगों से सवाल पूछ रहा है, मैं भी आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि आपकी सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया इसको लेकर। देखिए ज्योति जी, मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में वहां कहीं उस बहस का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए संभव नहीं है, उचित भी नहीं होगा। लेकिन स्पष्ट सी बात है कि खाप पंचायतों को लेकर इस देश की अदालतों का भी और इस देश में मीडिया का भी एक वर्ग है, बुद्धिजीवियों का भी एक वर्ग है। हाँ। उसने हरियाणा की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खाप परंपराओं को, खाप संस्थाओं को समझे बगैर बहुत बार ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग किया है खाप पंचायतों के लिए जो गाली जैसा है, जो उनको करना नहीं चाहिए। खाप पंचायतों के सारे निर्णय तुगलकी फरमान होते हैं, ये अपने आप में एक तुगलकी फरमान है अगर किसी ने निष्कर्ष निकाल दिया। इस देश में खाप पंचायतें वैकल्पिक न्याय व्यवस्था की तरह काम करती रही हैं, समाज की ताकत बढ़ाती रही हैं। आज भी ऐसी खाप पंचायतें या संस्थाएं हैं अपने समाज में। एक मिनट, आप कंप्लीट करो, आप करने दीजिए, मुझे मेरी बात तो कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं इस देश की खाप पंचायतें बहुत अच्छे काम भी कर रही हैं, उनके हर फरमान को आपको तुगलकी फरमान कहने का हक नहीं है। लेकिन इस ये भी सच है ज्योति जी के किसी भी खाप पंचायत समेत किसी भी संस्था को देश के कानून को तोड़ने का, किसी की हत्या कर देने का फरमान देने का हक नहीं है, और मुझे नहीं लगता किसी ने मांगा है। सब किसी खाप पंचायत ने आज तक किसी को मारने का मैं भी यही कह रहा हूं नहीं किया। जो खबरें आती हैं हम उन खबरों के आधार पर बात करते हैं, खबरें आती हैं उनके आधार पर बात करते हैं। अगर नवविवाहित जोड़ों को गांव से बाहर निकाला जाता है, समेन साहब अगर आप सहमति नहीं रखते तो बताइएगा मुझे, क्या नवविवाहित जोड़ों को गांव से बाहर निकालना, घरों से बाहर निकालना, सामाजिक बहिष्कार करना, क्या आप लोगों की सजा में शामिल नहीं होता? कभी मीडिया ने इस बात को जाके कभी कच किए है कि किसने फरमान जारी किया कि गांव से बाहर चले जाओ? आप बताओ, मनोज बबली कांड में मीडिया ने पूरा खाप पंचायतों को, आप सुनिए संतोष जी सुनिए, आप एक उदाहरण, मनोज बबली में कहां थी खाप पंचायत? कोई खाप पंचायत नहीं थी। आप उदाहरण दे दें,
कि भाई खाप पंचायत ने फलाने जोड़े को बाहर निकाल दिया। जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालते हैं। खाप पंचायतों ने फैसला सुनाया और बहिष्कार किया गया, सामाजिक बहिष्कार किया गया। देखिए सामाजिक बहिष्कार की जो आप बात कह रहे हैं, आप एक उदाहरण तो ये देखें, वहां पर सामाजिक बहिष्कार हुआ है। एक बार महम के अंदर ऐसी बात हुई थी, दूसरी पंचायतों ने उसकी आलोचना करी थी कि भाई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या उस टाइम खाप पंचायत नहीं थी, बाकी की पंचायतें? हाँ। उन्होंने उस बात का क्रिटिसाइज किया कि आपने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोगों की सजा का जो दायरा है, जो परिभाषा है, वो आपसे जानेंगे। उससे पहले रंजीता जी को चर्चा में मैं जोड़ दूं, कांग्रेस का क्या स्टैंड बोल दूं। ज्योति जी एक मिनट, जल्दी एक चीज में बोल दूं। देखिए एक जो सोशल फैब्रिक की मैं बार बार बात कर रही हूं, वो मैं इसलिए कर रही हूं कि खाप पंचायतों ने सबसे पहले तो आज तक कोई ऐसा फरमान जारी नहीं किया। ये मीडिया वालों ने, कुछ जो साउथ के लोग हैं, जैसे हम लोग हिंदू हैं, बावजूद इसके जो नॉर्दर्न इंडिया के हिंदू हैं उनकी परंपराएं कुछ और हैं, जो साउथ के हिंदू हैं उनकी परंपराएं कुछ और हैं। हाँ। साउथ में मामा और भांजी की शादी को प्रायोरिटी दी जाती है, हमारे यहां जब तक मामा नहीं आ जाता शादी की कोई रस्म ही शुरू नहीं होती। हर वर्ग के, हर समुदाय के, हर क्षेत्र के अपनी कुछ रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको तोड़ने का अधिकार ना कानून के पास होना चाहिए ना लोगों के पास होना चाहिए। पहले जो खाप पंचायतों का व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, उसमें आपने कभी देखा कि इस तरह की बच्चियों के साथ इस तरह की घिनौनी हरकत की जा रही है? आज देखो हर कदम पे बच्चियों के साथ, पिछले दो दिन में पूरा हरियाणा दूध उकर के जल रहा है, ऐसी ऐसी पांच मासूम बच्चियों के साथ इतना अत्याचार हुआ। ये जो सोशल पंचायतें कहां से आ जाती है, उनकी शक्तियां बढ़ाना या घटाना कहां से आ जाता है उसमें? रंजिता जी कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए सबसे पहले ज्योति, यहाँ पर मेन मुद्दा है कि खाप पंचायतों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है। बेसिकली मैं ये मानती हूँ कि 2000 पुरानी साल से चली आई ये खाप पंचायतें जो हैं, ये सामाजिक ताना बाना बुनती आई हैं। और आज आप देखिए कि विकल्प क्या है हमारे पास। आज अगर खाप पंचायतों को आप बैन कर देते हैं, आप बंद कर देते हैं, आज भी कितने सौ केस जो हैं कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जो कि खाप पंचायतें बैठकर ऐसे ऐसे मसले सुलझा देते हैं आपस में बैठकर, जो कि कानून नहीं सॉल्व कर पाता। पर जो आप बात कर रही हैं कि विवाहित जोड़ों को खाप पंचायतें बाहर निकाल देती हैं, बहिष्कार कर देती हैं, तो वो आपको बाय नेम बताना पड़ेगा किस खाप ने किया है। महम चौबीसी को हमने सुना, सत्यमेव जयते आप लोगों ने कार्यक्रम देखा होगा, पूरी तरह से स्वीकार किया गया कि हमारी सजा का जो दायरा है, हमारी सजा की जो परिभाषा है वो ये है कि सामाजिक बहिष्कार हम लोग करते हैं, साथ ही गांव से निकालना भी उसमें शामिल है। ज्योति जी ऑनर किलिंग को उस चीज में स्वीकार नहीं किया गया, उस पूरे मामले में स्वीकार नहीं किया गया। समर्थक है ना उसके साथ है। क्या कोई घर में अगर कोई रूल रेगुलेशंस को फॉलो ना किया जाए, क्या वो परिवार चल सकता है? कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस हर जगह पे अप्लाई करने चाहिए। तो आप मानते हैं रूल्स हैं, ये सामाजिक बहिष्कार रूल्स हैं? सामाजिक बहिष्कार स्वीकार कीजिए। देखिए अगर सेम गोत्र में शादी को कोई वैलिड मानता हो तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूंगी। कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग इस बात के से इनकार करता है कि सेम गोत्र में शादी को वैलिड माना जाए। धर्म जेनेटिक के डॉक्टर हैं, डॉक्टर विजय कुमार गोयल जी ने, उन्होंने कहा कि 5000 रोग तो आप बात में रहिए ना, एक ही गोत्र में अगर शादी की जाएगी तो हम लोग सजा देते रहे हैं, सजा देते कोई सजा नहीं होंगे, रूल्स नहीं होंगे तो चीजें सही से नहीं चलेंगी। लोकप्रिय विवाह देश में अभी बड़े तबके में स्वीकार्य नहीं है, जबरन कराएंगे का कोई हम नहीं बोलते। रंजिता जी क्या कहा जाता है? नहीं कांग्रेस का पक्ष डालने की संतोष लिया जी, बाकी मेहमानों को सुनिए। सुनिए आप रंजिता जी जल्दी बात पूरी। कहीं ना कहीं ज्योति जी जो पोस्चरिंग है खाप पंचायतों की वो कहीं ना कहीं गलत की गई है, जो इमेज सुप्रीम कोर्ट के आगे बनाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत बनाई गई है। हर चीज में खाप गलत नहीं होती, हर डिसीजन जो है वो खाप गलत मामले में आज फटकार लगाई गई है वो 2010 का मामला है। आप लोग भी सरकार में रहे, कांग्रेस ने क्या किया कि चीजें सुधर जाएं? ज्योति मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ये अलग अलग कस्टम्स पे, अलग अलग परंपराओं पर निर्भर करता है। आज अगर हिंदुओं की बात करते हैं, हम एक गोत्र में शादी करने पर मानते हैं कि वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, जबकि मुस्लिम में सखी बुआ के बेटे के साथ, सखी मासी के बेटे के साथ, सखे मामे के बेटे के साथ शादी हो जाती है, उनकी यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम्स आप देखते हैं। तो ये चीजें नहीं है, मतलब ये अपनी परंपरा और अपना कस्टम और अपनी जगह के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और वहां का कस्टम कैसा है। इनेलो कैसे देखती है आज के इस पूरे मामले को? लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं ज्योति, दुर्भाग्यपूर्ण है, जैसा कि हमने बताया कि रॉन्ग पोस्चरिंग तो है ही है, ये इमेज जो जिस प्रकार की क्रिएट की गई है, ये दो मामलों को बीच में घुसा दिया गया है। जो सगोत्रा मैरिज एक अलग इशू है, खाप पंचायतें एक अलग इशू है, ठीक है। सगोत्रा मैरिज जो है यदि हमारे यहाँ पर कस्टम है,
ये हम हिंदुस्तान के कानून के अंदर बड़ा स्पष्ट रूप से है कि जो कोडिफाइड लॉ है उसके ऊपर कस्टमरी लॉ जो है प्रिवेल करेगा, और कस्टमरी लॉ अगर हमारा कस्टम जो चलता आ रहा है उस कस्टमरी लॉ के अंदर यदि कुछ इस प्रकार की कोई चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए तो उसे उसको फॉलो करने से कोर्ट कोई भी इनकार नहीं कर सकती है, और इसी कारण से। लेकिन मैं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि कहीं ना कहीं जो है पोस्टरिंग जो है मैं कहता हूँ कि इसमें जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इस राइट पोस्टरिंग आप लेकर के जाइए, आप यदि मान जी आपने यहाँ पर पूरी तरह से खाप पंचायतों को बैन कर दिया तो मैं ये तो मैं मानता हूँ कि मेरे गांव के अंदर मेरे बड़े बूढ़ों का बिल्कुल एक तरह से समाज के अंदर इंटरफेरेंस ही पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यदि गांव के अंदर सोशल सिस्टम के अंदर हमारे बड़े हमारे बुजुर्ग अगर बीच में ना आए तो मैं नहीं मानता कि समाज को है जिस प्रकार से चलना चाहिए ये चल पाएगा। यही लोग हमें गाइडेंस देते हैं, इन लोगों के पास हम जाते हैं। यदि मैं कहता हूं कि खाप पंचायतों को आपने बैन कर दिया तो क्या हमारे पास में आज के दिन में इतने जजेस की उपलब्धता है कि आप सारे के सारे मामलों को कोर्ट के अंदर सुलझा देंगे? ऐसे हजारों मामले, मैं आपको हरियाणा के एग्जाम्पल की जगह छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल देता हूँ, वहां पर जो गांव के अंदर है आदिवासियों के अंदर एक भी मुकदमा सिविल लॉ का कोर्ट तक नहीं पहुंचा, सारे के सारे गांव के अंदर सेटलमेंट हो जाती है। तो हमें इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए, इन्हें प्रोहिबिट नहीं करना चाहिए। हाँ, आप इसका दायरा फिक्स कर सकते हैं कि आप इस चीज से दूर रहेंगे, आप इस चीज से दूर रहेंगे, कानून उसका दायरा फिक्स कर सकता है, लेकिन मेरे सामाजिक न्याय की मेरी जो चीजें हैं उसको आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है गुरिंदर पाल सिंह जी, हमने सामाजिक पक्ष जाना, राजनीतिक पक्ष जाना, कानूनी पक्ष क्या कहता है? सबसे पहली बात है जो संविधान है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के संविधान के सामने व्यक्ति एक इकाई है। मेरा कोई चॉइस नहीं है कि मैं जाट पैदा होऊंगा, मैं पंजाबी पैदा होऊंगा, मैं मुस्लिम पैदा होऊंगा, मैं हिंदू पैदा होऊंगा, मैं क्रिश्चियन पैदा होऊंगा। ये किसी व्यक्ति की चॉइस नहीं होती कि वो कैसे गवर्न होएगा। जिस दिन हिंदुस्तान में देश में संविधान लागू हो गया उस दिन आर्टिकल 21 उस व्यक्ति को एक स्वतंत्रता देता है जिसे कहते हैं राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ इज नॉट मियरली एग्जिस्टेंस, इट इज राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। माय डिग्निटी, मेरी जो जिंदगी है उसको डिफाइन करने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। और मेरी जिंदगी कैसी होगी, कैसे निर्वहन करूंगा, उसके बारे में उसने लिखा है कि कानून द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये एक बात। आर्टिकल 13 का जिक्र किया है, आर्टिकल 13 कस्टम को भी कानून मानता है। और साथ की साथ मेरी बहन ने संतोष दैया ने एक बात कही, मैं वो कहने वाला था, वो पहले कहेगी कि सगे मामे के साथ शादी हिंदू समाज में आंध्र प्रदेश में होती है। सिरसा में चले जाओ, करनाल में चले जाओ, एक कंबोज कम्युनिटी है, मामे और बुआ के लड़के के बीच में शादी होती है, ज्यादा गांव जाटों का, आधा कंबोजों का। तो इसलिए ये कौन डिटरमिन करने वाले कि कौन शादी कहां करेगा? जहां तक हिंदू मैरिज एक्ट है वो डिटरमिन करता है कि स्पिंडाज रिलेशनशिप में शादी नहीं होगी। और स्पिंडाज डिफाइन किए मामे की लड़की, बुआ की लड़की, दिस दैट एवरीथिंग हैज बीन डिफाइंड इन हिंदू कोर्ट कि हिंदुओं में शादी कैसे होगी, चाहते ताओ में शादी कौन करता है, कहां करता है, कैसा करता है, उसको प्रूव करना है कि वो कस्टम है। और शादी गलत हुई है या ठीक हुई है इसका फैसला करने के लिए अदालतें बनी हुई है, इसका फैसला करने के लिए कानून बना हुआ है। इसका फैसला करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अदालतों की जरूरत नहीं है। भावनाओं के नाम पर हमारी भावनाओं के नाम पर नए तरह के संगठनों का पैदा करना और यह कहना कि वो 400 सालों से चले आ रहे हैं और उनको कानून की व्याख्या करने का अधिकार है, हम इसके खिलाफ नहीं है, इसके खिलाफ इस देश का संविधान और कानून है। दो बालिग आदमी सगे भाई बहन शादी कर सकते हैं, यदि वो कानूनी है तो कर सकते हैं, लेकिन वो कानूनी नहीं है, वो गैर कानूनी है हिंदू मैरिज लॉ के तहत। इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट देके खाप पंचायतों द्वारा इस तरह के किए जाने डिक्टेट को जस्टिफाई नहीं करना, जस्टिफाई नहीं है, जस्टिफाई नहीं कर सकते। चौहान साहब, आपसे छोटा सा पहले कमेंट, मैं आपसे प्रेस में जा रही हूं, एक मिनट संतोष जी, मैं चौहान साहब, एक मिनट 1946 में जो एक केस आया उससे पहले क्या किसी ने ऑब्जेक्शन किया? नहीं किया। दूसरी बात, आपका संवैधानिक मूल अधिकार है। अभी पहले जजर में ये कहते हैं वो तीन साल चार साल लोगों को गांव में नहीं घुसने दे रहे आप लोग, गांव में घुसते आदमी क्योंकि उसने शादी कर ली। आप ये कहते हो, आप ये कहते हो भैया जी की सिंधुओं की लड़की हमारे गांव में आ गई है इसलिए यहाँ दूसरा लड़के की शादी नहीं होगी, उस गोत का व्यक्ति शादी नहीं करेगा, ये रोज हम सुनते हैं, रोज न्यूज पेपर में आता है। आप नया कानून बनाते हो, जो उस कानून में लिखा कानून में बताया है सबसे पहले आप पब्लिकली हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी बात,
कभी किसी खाप पंचायत में इल्जाम नहीं लगा रहा, किसी खाप पंचायत में लगा रहे हैं जो आदमी ऐसा करते हैं। सुनिए, यदि सुबे सिंह समैन ऐसा नहीं करता तो उस पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं है। सुनिए, आप सुनिए, देखिए, किसी खाप पंचायत ने आज तक कोई ओनर किलिंग नहीं की। दूसरी बात, किसी खाप पंचायत ने इस तरह का कोई फरमान जारी नहीं किया। तीसरी बात, आपका संवैधानिक मूल अधिकार है मेरे सामने, पूरा मामला, क्या क्या मामले, तारीखों के साथ हमारे पास है। जो कीजिए, एक मिनट, यूपी का मामला 2012 का, सुन लीजिए एक बार के लिए, सुनिए आप, बागपत जिले का मामला मैं बता रही हूँ आपको। खाप पंचायत ने कई तुगलकी फरमान जारी किए थे, महिलाओं को घर से बाहर निकालना उसमें शामिल था, और घर से निकलते वक्त की पल्लू रख के ही बाहर घूमेंगी। साथ ही बहुत सारे मामले ऐसे सामने हैं जिसमें जुर्माना लगाया जाना, निर्वस्त कर घर से बाहर घुमाना, ये भी फरमान शामिल किया गया था। 17 जून का ये पूरा मामला है, टोंक जिले के पीपलू थाने के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे मामले। आपने लिस्ट जो दिखाई है, ये लिस्ट आप नहीं दिखाते तो भी हमें मालूम था, आपको मैं क्लियर बताती हूँ। नहीं, आप मालूम था, आप मानने से इनकार करते हैं। नहीं, एक राय रखिए ना, आप जो एक राय रखिए, आप एक बार के लिए मानिए। नहीं, मैं सुनूंगी आपको, आप सुनिए एक बार। आपने एक मिनट, आप शुरुआत में मना करते हैं कि तुगलकी फरमान जारी ही नहीं किए जाते। मैंने आपकी बात सुनी, मैंने जवाब दिया, आप सुनिए एक बार। मैंने बताया आपको तारीख के साथ जिले का नाम बताया गया। ज्योति जी, बात रखने दीजिए, मैंने ये सुन लिया आपके मामले, मैंने ये आपके मामले सुन लिया, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब आप इस बात पे आ गए कि खाप पंचायत का नाम ही बताइए। जो भी नहीं, आपने कहा कि तुगलकी फरमान जारी है, आप किन चीजों को क्या नजरअंदाज कर रहे हैं, मानने से इनकार करने की कोशिश। आप बात रखने तो दीजिए ज्योति जी, आप बात रखने दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, संतोष त्रिपाठी बाकी मेहमानों को भी बोल रहे हैं, मुझे इसका जवाब देना है। आपने लंबी चौड़ी लिस्ट खाप पंचायतों को खटघरे में डाल के आपने रखी, आप इसका जवाब हमसे जरूर मांगिए। देखिए, हमारे बुजुर्गों को जिस तरह से इन लोगों ने पूरी लिस्ट बना के कटघरे में खड़ा किया है, हमसे जवाब तो लीजिए। कम से कम कटघरे में खड़ा करना नहीं है, जस्टिफाई करेंगे आप, जस्टिफाई करेंगे। संतोष जी, हमें एक ब्रेक के लिए जाना होगा, उसके बाद चर्चा हम करेंगे, कहां कहां तुगलकी फरमान सुनाए गए उस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसका क्या असर पड़ेगा चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, कहा है कि जो खाप पंचायतें हैं, जो इस तरह के संगठन हैं, जो कि विभाग को लेकर सवाल खड़े करते हैं, रोके जाने की कोशिशें करते हैं, उनको सरकार बैन करे। सरकार बैन नहीं कर सकती तो वो बताए, कोर्ट जो है उस पर आदेश देगा, उस पर फैसला सुनाएगा, उसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। बीजेपी का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। चौहान साहब, देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो खाप पंचायतें हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में बहुत बार देखा नहीं गया है, उनको समझने की कोशिश नहीं की गई है, इसलिए बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पैदा हो गई हैं। खाप पंचायत का हर निर्णय उसको तुगलकी फरमान करार दे देना ये उचित नहीं है, और खाप पंचायतों के ऐतिहासिक जो संदर्भ है उसको भी समझने की जरूरत है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि उनको 400 साल पुराना या 1000 साल पुराना करार दे देना ये गलत है। मैं समझता हूं उनको भी शायद एहसास नहीं है, उन्होंने कभी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र जहां पर खाप पंचायतें परंपरा से सैकड़ों सालों से चल रही हैं, संभवतः उसका इतिहास उन्होंने कायदे से देखा ना हो, उस पर निगाह न डाली हो। खाप पंचायतें हमको परंपरा से प्राप्त हुई हैं, और उन्होंने आजादी की लड़ाई समेत समाज के समक्ष जब जब छोटे बड़े कोई मसले आए उन्होंने सकारात्मक रचनात्मक भूमिका इतिहास में अदा की है, इसलिए खाप पंचायतें कोई पाप हैं, खाप पंचायतों पर रोक लग जानी चाहिए। मैं आपको रोकूंगी, आपसे ही सवाल करने के लिए रोकूंगी, आपसे ही सवाल। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, आपके वाक्य बहुत लंबे होते हैं, वाक्य पूरे कीजिए, मेरा वाक्य पूरा कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि खाप पंचायतों को आंख मूंद कर बंद कर बैन लगा देना चाहिए, ये दलील इसमें कतई कोई दम नहीं है। हाँ। इस पर तो प्रश्न उठेगा ही उठेगा। हाँ, चर्चा इस पर कर लीजिए, सरकार की ओर से कहा गया अदालत ने, आपका सर आपका वाक्य पूरा हुआ, मुझे भी सुन लीजिए, आपका वाक्य पूरा हो गया, आप सवाल सुन लीजिए, कर लीजिए ज्योति जी के उनकी नारी के सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की ओर से अदालत ने कहा गया नारी के सम्मान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
नारी का सम्मान इसमें भी है कि परिवार संबंध रिश्ते ये मान मर्यादा के साथ चले, इसमें नारी का सम्मान है, इसमें नारी का अपमान कहां से हो गया? फिर ये जो बातें कही जाती है, मैं फैसला कहूंगी, मैं फरमान नहीं कहूंगी कि सिर पर पल्लू लेकर ही जाए, या बाकी जिस तरह के आदेश सुना दिए जाते हैं, जो फैसले सुना दिए जाते हैं, क्या उसमें नारी का जो सम्मान है उसको वो आहत नहीं होता? ज्योति, ये सरकार साफ करेगी? ज्योति जी, सरकार अपना पक्ष निश्चित रूप से अदालत में रखेगी। मैं एक बात कहने के लिए आपके साथ बैठा हूं कि खाप पंचायतों के निर्णय उन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। खाप पंचायतों के निर्णय अंतिम निर्णय हैं, उन पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकती, ऐसा किसी खाप पंचायत ने भी नहीं कहा। हाँ। बार बार ओपन भी होती हैं बातें, दोबारा से बैठकर उस पर सलाह मशविरा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक तरफा आंख मूंद करके खाप पंचायतों को कोसना, ये सिलसिला भी बंद होना चाहिए। ज्योति जी, बड़ी लंबी लिस्ट आएंगे आपके पास, ढुल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो एग्जांपल देना चाहूंगा ज्योति, मैम चौबीसी की सबसे पुरानी खाप है, मुगल समय में किस प्रकार से उन्होंने मुगलों के साथ मिलवा लिया था सब जानते हैं। गुलिया खाप है, दादावीर हरिवीर गुलिया ने जो प्रधान थे उन्होंने तैमूर लंग जैसे आतंकी को मार दिया था। तो हम ये कहना कि खाप पंचायतें गलत हैं या उनको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं देखना चाहिए, ये गलत होगा। हाँ। आज भी हम खाप पंचायतों के जो चबूतरे होते हैं वहां पर मान सम्मान के साथ जब गांव के गांव जब जाकर के इकट्ठे होते हैं, मुझे पता है किस प्रकार की हमारी खापे किस प्रकार के फैसले करते हैं। मेरी खुद की खाप ने भी पीछे फैसला किया था कि डीजे नहीं बजेगा, आप दहेज नहीं लेंगे, आप जो है बच्चे के जन्म पे एक रुपए से ज्यादा, अभी वर्तमान कह रहा हूँ ज्योति, एक में एक महीने पहले सितंबर 23 सितंबर 2017 का मेरी ढुलकाप का फैसला बता रहा हूं कि बच्चे के जन्म पे एक रुपए से ज्यादा आप नहीं लेंगे, आप दहेज नहीं लेंगे और आप इंटरकास्ट मैरिज को नहीं रोकेंगे। ये मेरी खाप का द्वारा लिया गया फैसला है। अगर उसके बावजूद भी यदि कोई कहता है कि खाप को गलत पोस्टर करना, मैं कह रहा हूं आप खापों के दायरे को डिफाइन कर सकते हैं, मैं उसे मना नहीं कर रहा, डिस्कशन कर लीजिए उस पर, संविधान के दायरे से बाहर जाते हैं तो आप उसे वो कीजिए। लेकिन कतई भी इस बात के पक्ष में चौहान साहब, जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही है, शक्ति वाहिनी की हम बात कर रहे हैं, वही 2010 में सुप्रीम कोर्ट गई, उसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, उसी कड़ी में आज फटकार लगाई गई है, साथ ही सवाल पूछा गया है आपकी सरकार की ओर से, कहा गया कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। छोटा सा कमेंट दे दीजिए, फिर संतोष जी के पास चले गए कि चाहे शक्ति वाहिनी हो, चाहे महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाला कोई दूसरा संगठन हो, महिलाओं के अधिकारों के प्रति भारत का संविधान भी कमिटेड है और संविधान के दायरे में काम करने वाले सब लोग, उसमें राजनीतिक दल भी हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन सब खड़े हैं। हाँ। लेकिन किसी को भी आंख मूंद कर हमारी परंपराओं को गाली देने का अधिकार हम नहीं दे सकते और इसकी छूट हमको संविधान देता है। जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि बैन कर दीजिए, नहीं तो कोर्ट एक्शन लेगा, जी सरकार उसमें अपना पक्ष रखेगी और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बैन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार हैं, सरकार है। को एग्जीक्यूटिव को और पार्लियामेंट को अपने अधिकार हैं, ये विषय आएगा उस पर चर्चा करेंगे। जी संतोष जी, वो कौन लोग होते हैं जो शादी करने पर जो नवविवाहित जोड़ा होता है या जिनके बच्चे भी हो जाते हैं उनको भाई बहन बनाया जाता है, उनको गाँव से निकाल देते हैं, क्या वो खाप पंचायत नहीं है? अगर वो खाप पंचायत नहीं है तो कौन है? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि खाप पंचायतें होती क्या हैं। जी, मीडिया के बहुत सारे साथी जो साउथ से बिलोंग करते हैं उनको नहीं मालूम कि खाप पंचायतें क्या हैं। जिन्होंने खंडका पहना, धोती पहनी, उनके लिए वो खाप हैं। ठीक, उनको ये समझने की जरूरत है खाप पंचायतों का वर्किंग सिस्टम क्या है। मैं आपको बता दूं, आपने लंबी चौड़ी लिस्ट सुनाई थी। हाँ। कोई भी खाप पंचायत आज तक ऐसा फैसला नहीं किया है किसी खाप पंचायत ने कि किसी को मारने की बात की हो या किसी हस्बैंड वाइफ को बहन भाई बनाने की बात हो। ये हमारे सामने भी मामले एक दो आए हैं, हमने उसका खुलकर विरोध किया है। खाप पंचायतें मैं बताना चाहूंगी क्या है। खाप पंचायतें एक गोत्र का एक मुखिया खाप पंचायत का एक मेंबर है। सबसे पहली चीज, लोगों को यह मालूम नहीं है कि वो खाप पंचायत क्या है। वो छोटे छोटे गांव में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, जो लोग आपस में लड़ाई करके या कोई किलिंग होती है ना, लोग चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं या और गांव के कॉमन लोग, जो उनके बीच में चीजें हो जाती हैं वो खाप के साथ जोड़ के दिखाया जाता है, जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि खाप पंचायतों के लिए जो समाज की जो विचारधारा है, जो उनका आचरण है, जो उनकी संस्कृति है, बात पूरी हुई अभी के लिए। समय साहब, क्या खाप पंचायतें सामान्य सरकार हैं बिना चुनी हुई? मैं तो ज्योति जी एक बात कहता हूं, आप 1857 का इतिहास देखें, 1857 में सबसे ज्यादा जंग जो है ना वो अंग्रेजों के खिलाफ खाप पंचायतों लड़ी और उस अंग्रेज सरकार ने खाप पंचायतों पर प्रतिबंध लगाया। सोरम के अंदर हमारे जो एक महामंत्री थे काबुल सिंह, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो खाप पंचायतों का इतिहास है वो बचा के रखा, अपने खेत में दबाया। क्या 1857 का इतिहास याद नहीं? अंग्रेजों ने तो लगा था खाप पंचायतों पर, लेकिन
आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर मानते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है भाई, खाप पंचायतों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाने की बात जो कही जा रही है। आप कार्यों पर तो प्रतिबंध लगा सकते हो, इस प्रकार के कार्य ना करें, लेकिन खाप पंचायतों में प्रतिबंध लगाना बड़ा दुर्भाग्य। ज्योति जी आप चर्चा कर लें, वो चर्चा कर ले, चर्चा करें, आंख मूंद के गाली देंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। आप डिस्कशन करिए, कानून कोई तोड़ रहा है, कानून को कोई तोड़ रहा है तो उसको वो अधिकार है उसके पास। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारे कांग्रेस बीजेपी और इनेलो सभी एक मत है, क्या राजनीतिक कोई फंडा इसके पीछे? रंजिता जी ऐसा कुछ नहीं है ज्योति जी, बात ये होती है की वही परंपरा वाली बात है कि जो चीजें अगर तुगलकी फरमान कोई खाब भी देती है, कोई आम इंसान भी देता है, तो वो गलत है। अगर वो कहते हैं कि जीन्स पहनना नहीं पहन सकती लड़कियां, अगर वो कहते हैं कि सिर ढक के ही बाहर निकल सकती हैं, तो आप उसको ये मत जोड़िए कि वो खाप ही हैं। वो गांव के आम लोग भी हो सकते हैं जिनको खापों का दर्जा दिया जा रहा है। आज कन्फ्यूजन इस चीज में है, गांव के कुछ दर्जा देने वाले क्या इनको निर्धारित किया गया है, क्या इनको परिभाषित किया गया है? हमारे बुजुर्ग तय करेंगे हमारे लिए, कोई और नहीं करेंगे। आपसे सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, रंजिता जी ये कौन तय करेगा कि ये कौन लोग होते हैं, खाप पंचायत कौन सी है या गाँव के लोग कौन? ज्योति जी जब भी एक गाँव होता है वहाँ पे प्रॉपर पंचायती में खाप के लोग जो लोग होते हैं वो चुनिंदा लोग होते हैं जो कि हर फैसले पर बैठकर पंचायत करते हैं और मसले को सुलटाते हैं। अभी रविंद्र ढोलजी ने बताया था कि हमारे पास जुडिशरी सिस्टम ऐसा है ही नहीं है कि अगर हम इनको बैन कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो हमारे पास इतने जजेस हों जो हमारे रोज के केस सुनकर निपटा सके। छोटे छोटे इतने मसले आते हैं जो कानून सॉल्व नहीं कर सकता, वो पंचायत सॉल्व कर देती है। आप ये कह सकते हैं कि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए जाएं कि ये जो दायरे हैं ये खाप पंचायतों के दायरे से बाहर है, इस पर उनका फैसला लेना बैन है। खाप पंचायतों को बैन करना इज नॉट अ सोल्यूशन और ना ही वो हो सकती है हरियाणा के अंदर। हाँ। क्योंकि ये एक दो चार साल पुरानी खाप पंचायतें नहीं है, ये हजारों साल पुरानी पंचायतें हैं। पर हाँ, अगर ये कहना है कि किसने लड़की ने लड़की को छेड़ा और उसके बाद चार जूते मारकर उसको माफ कर दीजिए, पुरानी है इसलिए बैन नहीं, नहीं पुरानी नहीं, क्योंकि ये पारंपरिक लोगों को कानून जो लोग कानून के पास जाकर अपना मसला नहीं सुलझा सकते, ये घर पे बैठकर उसी गांव के अंदर उसको सुलझा सकते हैं। आप ही देखिए निर्धारित कौन करेगा, आपकी बारी जी कह लीजिएगा, मुझे एक बात कहने दीजिए, बस मुझे सिर्फ ये कहना रंजिता जी, मैंने चौहान साहब से सवाल किया ये कौन तय करेगा कि खासकर शादी जैसे मसले को लेकर दो बालिग इंसान है, एक युवक और युवती, वो शादी करते हैं, उसको लेकर खाप पंचायत फैसला देती है, ये कौन तय करेगा कि इंसाफ हुआ सही हुआ? देखिए जो जो पंचायतें निर्वाचित हैं वो कानून के तहत चलती हैं, जो कोडिफाइड लॉ है वो उस हिसाब से चलता है। जो कुछ फैसले समाज के स्तर पर करने होते हैं वो समाज के इनफॉर्मल संगठनों द्वारा बहुत बेहतर ढंग से पहले भी लिए जाते रहे हैं, भविष्य में भी लिए जाते रहेंगे, और कहीं विवाद पैदा होगा तो फिर इस देश की अदालतें हैं वो निर्णय ले लेंगी। हाँ। उन पर सबको भरोसा है। मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, मिसप्लेस करते हैं हम चीज को। खाप पंचायतों को हम जीन्स पर प्रतिबंध के लिए उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं। हमारा ये कहना है इसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है। जो संतोष जी ने बात एक कही थी कि सगोत्रीय मैरिज का अगर विरोध करती हैं हमारी खाप पंचायतें, वो परंपरा के परंपरा का हवाला देकर करती हैं, परंतु उसमें बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है कि सगोत्रीय विवाह अगर होते हैं, देयर इज अ साइंस इन इट के सगोत्रीय विवाह सैकड़ों बीमारियों के जनक बनते हैं, वो समाज के सेहत के लिए वर्तमान और भविष्य के लिए दुरुस्त है। चर्चा में आगे बढ़ूंगी, ये तमाम चीजें हम माने, लेकिन उसके बाद शादी से रोके जाने का तरीका कम से कम तय हो, सजा दी जाती है वो कम से कम तय हो, कि खाप पंचायतें क्या फैसला ले सकती है, क्या आदेश दे सकती है, ये तय होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आप दायरा सीमित कर सकते हैं लेकिन इसे बंद नहीं कर सकते हैं, इसे रॉन्ग पोस्टिंग करना बंद करें, ये मेरी प्रार्थना मीडिया से भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी पूछा चाहता हूँ, हिंदू ला के आएंगे आपके पास, सुना भी कीजिए। हिंदू एक्ट में ये बताएं कि मैरिज का तरीका क्या है, मैरिज कैसे होगा? चलिए गुरिंदर पाल सिंह जी से पूछेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है, आपकी खास बात जानेंगे इस सवाल के बाद। पहले मैं बोलूं जी? बिल्कुल हाँ जी, हमें तो मैरिज का तरीका बता दो क्या।
हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है कि किस किस व्यक्ति के बीच में शादी हो सकती है, उसमें स्पिंडा जाए, मामे की लड़की, बुआ की लड़की, इनमें शादी प्रोहिबिटेड है। हाँ। लेकिन उसमें भी एक दिया हुआ है प्रोविजन कि सब्जेक्ट टू कस्टम ऑफ द कम्युनिटी, जो लोग शादी कर रहे हैं उनकी यदि कस्टम परमिट करती है ये शादियां, तो वहां वो लीगली तौर पे परमिसिबल है। ये एक पार्ट है। मैं एक और कदम, झगड़ा खत्म और एक सेकंड बात पूरी करने दी, झगड़ा खत्म एक मिनट। अगर हमारे समाज में उसकी अनुमति नहीं है तो कुछ लोग उसका ठेका क्यों लेते हैं कि हम जबरदस्ती शादी कराएंगे। मेरे समाज में परंपरा नहीं है और समाज नहीं करता है। मैंने पहले भी कहा है, संविधान अनुमति देता है, आप जबरदस्ती क्यों करवा रहे हैं? और सर हमने जीने के अधिकार का जिक्र किया इस चर्चा में, तो मैंने पहले भी कहा है संविधान ये परिभाषित कौन करेगा? 18 साल के जो युवक युवती है वो गड्ढे में गिर रहे हैं, वो क्या फैसला अपने भविष्य को लेकर तय कर रहे हैं ये कौन तय करेगा? ज्योति जी आप बात रखिए। हाँ ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिना किसी, एक हमारे एक परंपरा है कि चिट्ठी फाड़ना जिसको कहते हैं जी, जब तक किसी को एक चिट्ठी फाड़ के नहीं दी जाती कि भाई आप हमारे यहाँ ये डिस्प्यूट है, आप खाप पंचायतें आ जाइए, आप इन्वॉल्व हो जाइए, सबसे पहली चीज, तब तक खाप पंचायतें नहीं जाती। नंबर दो, खाप पंचायतें निर्णय नहीं करती, खाप पंचायतें दोनों पक्षों को बिठाती हैं, अगर दोनों विलिंग होते हैं तब तक खाप पंचायतों का फैसला लागू होता है। अगर दोनों में से एक विपक्ष ये कह देता है कि मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूं तो वो कोर्ट में जा सकता है। नंबर तीन, जब लिंगानुपात कम हुआ, खाप पंचायतों ने आगे बढ़ के ऐसे ऐसे सेमिनार कराए और आज वो लिंगानुपात इस स्तर पर हरियाणा सबसे ऊपर आ गया है। नंबर चार, पूरी कीजिए, 2 मिनट है हमारे पास, आखिरी जल्दी बात पूरी कीजिए। जब तक खाप पंचायतों ने समय समय पर, आपने जैसे रविंद्र ढुल ने सही कहा, जब आजादी की लड़ाई से पहले भी जो लड़ाइयां लड़ी हैं खाप पंचायतों ने आगे बढ़ के काम किया। खाप पंचायतें कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, खाप पंचायतें एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, एक विचारधारा है जिसके तहत लोग रहना चाहते हैं। हम निर्धारित करेंगे, हमारे बुजुर्गों को हमने मानना है, हमारे बुजुर्ग तय करेंगे कि हमारे बच्चे किस तरह से रहें, हमारे बुजुर्ग तय करेंगे हम पूरे कपड़े पहन के बाहर निकलें, हमारे बुजुर्ग तय करेंगे हम इस व्यवस्था की समाज की परंपरा को हम फॉलो करेंगे, हमें कोई दूसरा आदमी नहीं बताएगा कि हम सेम गोत्र में शादी करेंगे। समय साहब, मैं तो एक बात कहता हूं, आरोप ये भी लगते रहे, आप सवाल एक बार के लिए सुनिए, आरोप ये भी लगते रहे कि हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, पश्चिमी यूपी की हम बात कर ले, ये जो इलाके हैं, हालांकि हरियाणा में लिंगानुपात का आंकड़ा सुधरा जरूर है कि वहां ऑनर किलिंग कर दी जाती है, वहां लड़कियों को किस नजर से देखा जाता है, वो एक कारण हो सकता है कि खाप पंचायतों का अपना खौफ है, अपनी परिभाषाएं हैं आनबान शान की। आप इस सवाल पे जवाब दीजिए। देखिए, जो आप लिंगानुपात की बात कर रहे हैं जी, उससे ऑनर किलिंग से कोई लेना देना नहीं, ऑनर किलिंग एक होगा, दो होंगे, चार होंगे। हाँ। लिंग अनुपात तो जो बच्चे पेट में ही गर्भ में मर जाता है उसकी वजह से अगर वो ऐसा करते हैं तो लिंग अनुपात का तो उससे नहीं, बेटियों को लेकर सोच क्या को मारने है से कि आप जींस नहीं पहन सकते, आप मोबाइल लेकर बाहर नहीं जा सकते, मैंने कहा पंचायतें फैसले सुनाती है, आप लोग कुछ तो स्वीकार कीजिए। संतोष, आपने एक भी फैसला ऐसा स्वीकार नहीं किया जो खाप पंचायतों, मैं आपको बताना चाहती हूं, पंचायतें फैसले क्या लेती है फिर? आप लोगों के फैसले क्या है? हजारों सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, देखिए खास तौर पर शादी के लिए पंचायतें क्या फैसले लेती है? मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा एक दनोरी गांव है, बहुत बड़ा गांव है जींद जिला के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, जमीन का मैटर था जी, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि इसको कब्जा दिया जाए एक पार्टी को, खटखड़ गोत के थे, दूसरी साइड डूढ़ गोत के लोग थे, हालात ये पैदा हो गए कि सारा का सारा गांव बाहर निकल गया। चलिए अच्छी बात, सुनिए मेरी बात, अगर शादी को लेकर क्या फैसला लिया गया वो आप बताइए। शादी को लेकर एक भी उदाहरण आप लोगों ने नहीं दिया कि खाप पंचायतें क्या फैसला लेती हैं पूरे घंटे में। ज्योति जी, खाप पंचायतें ना तो इंटरकास्ट मैरिजेस के अगेंस्ट है, ना किसी दूसरी शादी के अगेंस्ट है, कोई किसी तरह से शादी कर सकता है, केवल और केवल खाप पंचायतें कहती है कि सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, और वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि जो नजदीक के रिश्ते में शादियां होंगी उनमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हम एक बीमारी को काटने के लिए न जाने कितनी वैक्सीनेशन कराते हैं। बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ कि समाज की स्थापित
अच्छी परंपराओं की रक्षा सबको करनी पड़ेगी और वो परंपराएं अगर खाप की भी अच्छी परंपराएं हैं तो हम सबको राजनीति से ऊपर उठकर उसके साथ खड़ा होना होगा। और कुछ लोग दायरे में होना चाहिए, मैं पहले कह चुका हूं, कुछ लोग खाप पंचायतों की। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बने रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसको लेकर चर्चा की कि खाप पंचायतों को केंद्र सरकार बंद करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर एक्शन लेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत।